स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप वीडियो के इंट्रो में ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम भारतीय रेलवे की एक प्रमुख शताब्दी में यात्रा करने वाले हैं, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जोड़ती है। उत्तराखंड राज्य, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसके कई धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख शहर जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी को इस शताब्दी के माध्यम से काफ़ी आसानी से घूमा जा सकता है। इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इन प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी साझा करूंगा। देहरादून शताब्दी का संचालन 26 जनवरी 1995 को शुरू किया गया था। देहरादून शताब्दी नई दिल्ली से सुबह 6:45 पर चलती है और यह 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद गाजियाबाद जंक्शन पर करीबन 7:21 पर पहुँचती है। इस समय हम गाजियाबाद जंक्शन पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और आज हमारा देहरादून शताब्दी का सफ़र यहीं से शुरू होगा। बात करें गाजियाबाद जंक्शन की, तो यह दिल्ली NCR का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और सुबह के समय इस स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का काफ़ी दबदबा रहता है। यहाँ से लखनऊ जाने के लिए लखनऊ स्वर्ण शताब्दी, नैनीताल काठगोदाम को जाने के लिए काठगोदाम शताब्दी, कोटद्वार जाने के लिए कोटद्वार सिद्धबली जन शताब्दी और टनकपुर जाने के लिए टनकपुर पूर्णागिरी जन शताब्दी ले सकते हैं। थोड़े इंतज़ार के बाद गाजियाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाजियाबाद के WEB7 इंजन के साथ आ चुकी है देहरादून शताब्दी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और शताब्दी एक्सप्रेस का सफ़र। कुछ विलंब के साथ देहरादून शताब्दी गाजियाबाद स्टेशन से चल पड़ी है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफ़र एक्सप्रेस। साथ ही पीछे की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मूरी एक्सप्रेस WEB4 इंजन के साथ आ चुकी है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं गाजियाबाद स्टेशन का यार्ड और उसके पीछे देखा जा सकता है गाजियाबाद का इलेक्ट्रिक लोको शेड। गाजियाबाद से 47 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब हम पहुंच चुके हैं मेरठ सिटी जंक्शन, जो कि मेरठ शहर का सबसे प्रमुख स्टेशन है। मेरठ शहर यहां की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की वजह से स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा यहां की गजक भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करें मेरठ सिटी जंक्शन की, तो यह नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के अंदर आने वाले प्रमुख स्टेशनों में से एक है और यहाँ पर कुल 5 प्लेटफॉर्म हैं, जिनसे 103 ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं। बात की जाए मेरठ के दर्शनीय स्थलों की, तो मेरठ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाभारत काल से जुड़ा हुआ हस्तिनापुर शहर घूमने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगहों में से एक है। इसके साथ ही हर साल चैत्र महीने में लगने वाला मेरठ का नौचंदी मेला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तीन मिनट के स्टॉपेज के बाद अब ट्रेन चल चुकी है अपने अगले पड़ाव की तरफ। जिस तेजी से देहरादून शताब्दी ने स्टेशन से छूटते ही रफ्तार पकड़ ली है, उससे WEB7 लोकोमोटिव के जबरदस्त एक्सेलरेशन का पता चलता है। मेरठ से करीब 55 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। अपने पुराने नाम सर्वत से जाने जाने वाला मुजफ्फरनगर शहर गंगा और यमुना के द्वाब पर स्थित है। मुजफ्फरनगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है और शुगर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स और स्टील रोलिंग मिल्स के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार और शुगर मिलें होने की वजह से
इसे शुगर बोल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मुजफ्फरनगर स्टेशन की तो ये नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में आता है और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं और 89 ट्रेनें यहाँ पर ठहरती हैं। 2 मिनट से अधिक के स्टॉपेज के बाद अब देहरादून शताब्दी चल पड़ी है अपने अगले ठहराव की तरफ। इस समय हम स्किप कर रहे हैं टपरी जंक्शन को और सामने आप देख सकते हैं अहमदाबाद से ऋषिकेश जाने वाली योगा एक्सप्रेस को, जिसको हम अभी ओवरटेक कर रहे हैं। बात करें योगा एक्सप्रेस की तो यह अब नए LHP कोच की रेक और इलेक्ट्रिक इंजन के साथ चलती है। मुजफ्फरनगर से 39 मिनट के सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। बात करें सहारनपुर शहर की तो यहां से 40 किलोमीटर दूर बहुत प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर स्थित है, जो कि भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहां दर्शन के लिए आते हैं। सहारनपुर जंक्शन पर क्योंकि ट्रेन की डायरेक्शन रिवर्स होती है, इसकी वजह से इंजन को भी आगे से हटाकर ट्रेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है। रेलवे चाहे तो इस ट्रेन को पुशपुल तकनीक से चलाकर करीब 20 मिनट बचा सकती है, जो कि इंजन की डायरेक्शन चेंज करने में वेस्ट होती है। बात करें स्टेशन की तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म हैं और 178 ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं। सहारनपुर पर 39 मिनट रुके रहने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस अब चल चुकी है अपने अगले स्टॉपेज की तरफ। सहारनपुर से करीब 34 किलोमीटर के सफर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रुड़की। गंग नहर के तट पर बसा रुड़की शहर एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की और देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक रुड़की छावनी के लिए जाना जाता है। बात करें रुड़की स्टेशन की तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हैं और 126 ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं। 2 मिनट के ठहराव के बाद अब हम चल चुके हैं इस सफ़र के अगले पड़ाव की तरफ। इस समय हम गुजर रहे हैं अपर गंगा कैनाल पर बने ब्रिज के ऊपर से, साथ ही सामने आप देख सकते हैं OHE इंस्पेक्शन कार को। लक्सर से अब देहरादून शताब्दी ने अम्बाला मुरादाबाद लाइन को छोड़ दिया है और अब हम चल पड़े हैं हरिद्वार की तरफ।
रुड़की से करीब 41 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार शहर। बात करें हरिद्वार स्टेशन की तो यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म हैं और करीब 83 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। इसके अलावा 20 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 18 ट्रेनें यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। हरिद्वार को हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है और साथ ही यह कई महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों का केंद्र भी है। हर 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है और जिसका पिछला आयोजन यहाँ पर वर्ष 2021 में हुआ था। साथ ही वार्षिक कांवड़ तीर्थ यात्रा का भी यह प्राथमिक केंद्र है। बात करें हरिद्वार के दर्शनीय धार्मिक स्थलों की तो हर की पौड़ी की गंगा आरती, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, शांति कुंज, गायत्री शक्तिपीठ आदि कई प्रमुख जगहों में से एक हैं। हरिद्वार से 25 किलोमीटर उत्तर में स्थित ऋषिकेश शहर को भी यहाँ से आसानी से घूमा जा सकता है। ऋषिकेश हिमालय की तलहटी में स्थित गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार है और विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। बात करें ऋषिकेश की तो इसे तीर्थ नगर के रूप में जाना जाता है और हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसके अलावा ऋषिकेश त्रिवेणी संगम की गंगा आरती, लक्ष्मण झूला, रिवर राफ्टिंग, योग, रिवर साइड कैंपिंग आदि के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद अब देहरादून शताब्दी चल चुकी है अपने आखिरी ठहराव की तरफ। सामने की तरफ आप देख पाएंगे वो पहाड़ जिस पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। हरिद्वार क्योंकि शिवालिक पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है इसकी वजह से इस रूट पर काफ़ी सीनिक व्यूज देखने को मिलते हैं, तो आप इंजॉय करिए ये सीनिक व्यूज। समय हम गुजर रहे हैं रायवाला जंक्शन से और सामने आप देख सकते हैं देहरादून शताब्दी का S5 कोच जिसमें 13 मार्च 2021 को एक हादसे में आग लग गई थी। रायवाला जंक्शन से हरिद्वार दिल्ली लाइन 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक लाइन जाती है ऋषिकेश की तरफ और दूसरी जिस पर अभी हम चल रहे हैं वो जाती है देहरादून की तरफ। हरिद्वार से करीब 52 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस जर्नी की आखिरी मंजिल देहरादून टर्मिनल पर। इस स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं और यहां से 27 ट्रेनें बनकर चलती हैं और 29 यहां पर समाप्त होती हैं। देहरादून उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर होने के साथ यहाँ की राजधानी भी है। धून घाटी में बसा देहरादून देश के लिए सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक मसूरी का प्रवेश द्वार है। बात करें देहरादून के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसों की तो सहस्रधारा और रोवर्स केव यहाँ के कुछ प्रमुख जगहों में से एक है। इसके अलावा देहरादून से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाने वाला मसूरी शहर हिमालय के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है। कैंपटी फॉल, माल रोड, लाल टिब्बा, गन हिल और कंपनी गार्डन यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसों में गिने जाते हैं।
तो इसी के साथ हमारा देहरादून शताब्दी से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी का सफर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी से भरी हुई जर्नी पसंद आई होगी। अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में ऐसे ट्रैवल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। साथ ही मेरी लेटेस्ट ट्रैवल जर्नी की लाइव अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी जर्नी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवारिक जनों का बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।